हेलो दोस्तों दोस्तों आप जानते हैं कि सरसों की खली बहुत ही उपयोगी है हमारे पौधों के लिए। बहुत सारे गार्डनर जो हैं वो जो पौधे उगाए हैं या नर्सरी है तो सरसों की खली डालते हैं और बहुत ही ये उपयोगी होता है हमारे पौधों के लिए, फूल के पौधों के लिए, सब्जी के पौधों के लिए। दोस्तों मैं हरिहर सिंह इन्फोट्यूब से बोल रहा हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, आप सरसों की खली प्रयोग करने से पहले इसमें कुछ सावधानियाँ भी बरतें, वरना आपको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कि जैसे 1 लीटर पानी अगर एवरेज जो भिगोना है आपको सरसों के खली देना है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको 1 लीटर पानी में सरसों की खली अगर बना रहे हो तो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 50 पेड़ हैं तो आपको 20 लीटर तैयार करना है, 20 लीटर तैयार करना है तो 200 ग्राम इसी हिसाब से भिगोइए। अगर सरसों की खली ज़्यादा हो गई तो पौधों में जाके मिट्टियों के अंदर फंगस पैदा करेगा। तो पानी इसी हिसाब से बढ़ना चाहिए कि 10 ग्राम से ज़्यादा 1 लीटर पानी में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है दोस्तों कि जब आप सरसों की खली भिगोते हो, आज भिगोए और कल उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ रहता है। आप कम से कम 3 या 4 दिन सरसों की खली भिगोएं, उसके बाद ही प्रयोग करें। जल्दी प्रयोग ना करें, जल्दी प्रयोग करेंगे आप तो अंदर जाके वो अपना काम, जड़ों में वो बैक्टीरिया पैदा करेगा, इसका ध्यान रहे आपको। और कम से कम 4 दिन तो ज़रूर भिगोएं। और जब आपको सरसों की खली का लिक्विड तैयार हो जाए तो सबसे पहले, जैसे मान लो आपको सरसों की खली का लिक्विड तैयार है 4 दिन में और आपको अब इसे अप्लाई करना है, मौसम के हिसाब से, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आपका गमले में 2 दिन से पानी ना पड़ा हो, मिट्टी उसकी सूखी होनी चाहिए, उसकी गुड़ाई करके 1-2 दिन रख दीजिए अच्छे से, मिट्टी सूख जाए, पौधा नहीं सूखेगा आपका, उसके बाद सरसों की खली का प्रयोग करना रहता है। यदि आप शाम को पानी डाले हो और दूसरे दिन आप सरसों की खली डाल रहे हो तो पानी डबल हो जाता है और वो आपकी मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और सरसों की खली में फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है, तो अंदर जाके मिट्टी अगर ज़्यादा दिन तक गीली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अगर पहले से ही गमला सूखा रहेगा, सूखी मिट्टी में अगर आप सरसों की खली डालोगे तो पूरी मिट्टी में आपको सरसों की खली समा जाएगी। अब मिट्टी अगर गीली रहेगी तो सरसों की खली कहाँ समाएगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी पहले से उसमें है। इतना ध्यान रहे कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अगर आप ठंडी का समय है तो गुड़ाई करके 2 या 3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद सरसों की खली का प्रयोग करें। और अगर आपको आपका पौधा ज़्यादा कमज़ोर है या आपके पौधे में फूल ज़्यादा लेना है, ज़्यादा जल्दी लेना है, तो जब भी आप सरसों की खली भिगोएं मात्रा के हिसाब से, तो 1 लीटर में 1 चम्मच, 3 ml या 5 ml जैसा चम्मच होता है आपका, आप DAP भिगो दें, उसमें डाल दें। अगर सरसों की खली में DAP मिल जाती है तो उसका पावर डबल हो जाता है सरसों की खली का, तो इससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अगर आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखाई देता है DAP डालेंगे तो आपको 8 या 9 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो इतना ध्यान रहे कि 1 चम्मच से ज़्यादा मत मिलाना। और दूसरी बात दोस्तों, तीसरी चौथी बात है कि प्रयोग कैसे करें। एक बार जब आप सरसों की खली डालते हैं तो कम से कम 15 दिन तक आपको सरसों की खली जो है ये
डालनी नहीं है। देख रहे हैं ये सरसों की खली, तो 15 दिन का गैप रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 15 दिन के पहले आओगे तो 101% आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ में जो है पहले से नमी रहती है सरसों की, और पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ रहता है, उसका असर ख़त्म नहीं हुआ रहता, और दोबारा उसमें आप जल्दी डाल देंगे तो उसमें फंगस होना बहुत निश्चित, फंगस पकड़ लेगा। तो इतना ध्यान रहे कि 15 दिन से ज़्यादा आपको खली नहीं डालना है। पूरी तरह से पहले बार का डाला हुआ सरसों की खली का असर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों एक और बात है कि आप बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, यदि आप सरसों की खली भिगोए हो और 4 दिन में इस्तेमाल नहीं किए हो तो सरसों की खली जो है वो ख़राब होने लगती है, और वो 10-15 दिन की हो गई, महीने की हो गई है, आपने भिगो के रखा हुआ इस्तेमाल नहीं किया हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाती है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, उसमें फंगस आ जाता है, ऊपर फफूंदी दिखेगी आपको। आप भिगो के रख दीजिए और 4-5-6-7 दिन के बाद देखिए पूरा वो डब्बा वाइट कलर का दिखेगा आपको, फफूंदी आ जाएगी। अगर आपको वो इस्तेमाल करना ही है जो आप 15-20 दिन से भिगोए हो, तो उसमें भुजा हुआ चूना, जो चूना बाज़ार से आता है उसको पानी में भिगोओगे तो उबलेगा, वो उबला हुआ चूना जो है उसमें एक चम्मच डालें, जैसे 10 लीटर पानी है तो उसमें 1 चम्मच बड़ा उसमें सूखा चूना डालें भुजा हुआ। जब चूना डालेंगे उसमें तो वो सबको काट देगा, सबको फ्रेश बना देगा। बिना चूना डाले आप सरसों की खली का इस्तेमाल मत करिए, या ज़्यादा दिन की भिगोई हुई रखी हुई है तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरसों की खली भिगो के भूल गए हो या आपको बच गई है दोबारा इस्तेमाल करना है, अगर वो 4 दिन से ज़्यादा हुई है तो आप इस्तेमाल ना करें, उसमें चूना मिला के इस्तेमाल करें, कैल्शियम भी मिलता है और आपकी हल्दी जो है वो भी सही हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था कि आप सरसों की खली इस्तेमाल करिए, क्योंकि सरसों की खली से अच्छा कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छी होती है, प्याज का छिलका, सरसों की खली। तो हम आपको ये भी बता, इसीलिए वीडियो बनाए कि आपको बता दें कि ये चीज़ों पर ध्यान रखना, नहीं तो आपको फ़ायदा होने की जगह हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमारे, फिर वही एक ही निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसे लगा, हम जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम।